न तुम शहीद होते न हम बेवा होते, ना ये यतीम होते न वो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् वृत्योमक्षेमानुदाम। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् वृत्योमक्षेमानुदाम। हे प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। अरे दीवा बेटा, आपको लग जाएगी, हम कर देंगे ना। आपका तो हर बार का ऐसा ही है। पहले ये बताइए कि आप आ कब रहे हैं। तुम चिंता मत करो, अरे हमने सामान पैक कर लिया है, बस पेट्रोलिंग से लौट के रात में घर निकलेंगे। अच्छा, हाँ। सही में? हाँ हाँ सही में। मम्मी मम्मी हमारी भी बात कराओ। हाँ, ना पापा से। तुम्हारे आने की खुशी में पगला आ गए हैं छोटे फौजी साहब। अच्छा, भरोसे ही नहीं कर रहे। बात करा। लो बात करो। हेलो विशाल। हाँ बेटा। पापा आपकी बार आप पक्का आ रहे हो ना? हाँ बेटा, आपकी बार मैं पक्का आ रहा हूँ। अगर इस बार भी आप नहीं आए तो? नहीं नहीं बेटा, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, मैं सच में इस बार आ रहा हूँ, और तुम्हारे जन्मदिन पर एक अच्छा सा गिफ्ट भी ला रहा हूँ। अच्छा पापा, अब हम अपने सारे दोस्तों को बता दें कि जन्मदिन पे हमारे पापा आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, और अब हमें साइकिल भी दिलाएंगे। हाँ बेटा, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। जी पापा। मम्मी को फोन दो। बाय बाय। बाय बाय। हाँ एक मिनट। हाँ। आपको खीर बहुत पसंद है ना? हाँ। स्कूल से लौटते में साबुदाने ले आना, ठीक है? अरे बेटा आराम से। ठीक है मम्मी। हाँ अच्छा, कहाँ हूँ अभी आप? पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं। पेट्रोलिंग से लौटकर सारा सामान ध्यान से रख लेना। हाँ ठीक है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, रखते हैं। ओके ओके बाय। चाचा परसों हमारे पापा आ रहे कश्मीर से। अबे चल टोपी उतार। पापा को आन दो, फिर बताता हूँ। तरुण तरुण, अरे तरुण सुनना, रुकना। क्या हुआ? तुमको पता है परसों हमारे पापा आ रहे हैं कश्मीर से, और अब हमारी साइकिल भी आ जाएगी। परसों तुम्हारे पापा आ रहे हैं, वो भी कश्मीर से? हाँ हाँ, इस बार सच्ची में। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनाया था सारे स्कूल ने। पिछली बार मैंने तुझे टॉफी खिलाई थी। तुम कब कुछ नहीं खिलाते। अच्छा ये लो। लेकिन अब तो तुम अपनी साइकिल से स्कूल जाओगे ना? चलाओगे तो तुम ही ना। हाँ चल फिर स्कूल, सबको बताते हैं तेरे पापा आ रहे हैं। कंपनी वाले भी ना। अरे अब कौन है? हेलो जी,
यार हमारी बात पे तो कोई स्कूल में भरोसा ही नहीं कर रहा। जब तुम्हारी साइकिल आ जाएगी ना तब सब भरोसा करेंगे। हाँ यार मुझे साबुदाने लेने हैं, चल। ठीक है। मम्मी मम्मी चलो जल्दी बनाओ खीर, ये लो साबुदाना। डेड बॉडी आई? आज ही तो हुआ ये सब। कुछ पता चला कि कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन बगल वाले बोल रहे थे कि बीरेन भैया का गला काट के ले गया आतंकवादी। चाची। पापा आपकी बार आप पक्का आ रहे हो ना? हाँ बेटा आपकी बार मैं पक्का आ रहा हूँ। चाची चाची कुछ तो बोलो, आपको देखे तो उसका क्या हाल होगा? पापा आज आपको जाना है। हमने आपकी शर्ट में बटन भी लगा दिया, पक्का वाला। दीवा को सब कुछ याद है हुँ? हाँ पापा, लेकिन आप मुझे याद नहीं रखते। हमारी दीवा अपने पापा पर आखिरी बार भरोसा कर सकती है, प्लीज। मैं तो हमेशा आप पर ही भरोसा करती हूँ पापा। बेटा इस बार और बस, क्योंकि जब हम अगली बार आएंगे ना तो सिर्फ आपका ही ख्याल रखेंगे, आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। प्रॉमिस पापा। आप गायब तो नहीं हो जाओगे पापा? इस बार जल्दी आना प्लीज। दीवा आप बड़ी अम्मा के पास जाओ, हम आते हैं। दादाजी राम राम। तुमसे तो बाद में बात करते हैं। प्रणाम चाची। खुश रहो तरुण भैया। दीवा बेटा। हाँ अंकल। पापा तो हर बार जाते हैं और आते हैं, थोड़ी ना वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। और इस बार जब वो आएंगे ना तो आपका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाएंगे
और हम खुद आपके साथ चलेंगे, प्रॉमिस पक्का वाला। ठीक है। अरे चाची, चाचा नहीं आए? चार दिन से शहर में ड्यूटी लगी है किसी नेताजी के रैली में। वो तो कह रहे थे कि इस बार भैया जी को छोड़ने वो खुद ही जाएंगे, लेकिन क्या करें, पुलिस की नौकरी भी अब आसान ना रही है। हमसे दीवा की ये हालत देखी नहीं जाती, और आप सबकी भी, इसलिए सोचा है कि 15 साल पूरे होते ही कंपलसरी रिटायरमेंट की। भैया जी, फौज में 13.5 लाख जवान है, बेचारा किस किस से लड़ेंगे, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, इसलिए जिस तरह आपको पाल लिया वैसे ही दीवा को पालेंगे। बस आप इस फौजी का ख्याल रखिएगा, समझे आप? जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहो। चाची चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहो भैया जी। सारा घर रंग करवा दिया आपने, बस हम लोगों को ही बेरंग करके जा रहे हैं। अगले महीने दिवाली है, कम से कम इस बार तो दिवाली घर की मना लेते हैं। बस हम सबको रुलाकर खुद हंसकर चले जाते हैं हर बार। रुकिए जरा भैया जी, हम आते हैं। पापा मत जाओ ना। हमें जाना होगा, चाहे कुछ भी हो, बस आप रोएंगी नहीं। ये लीजिए भैया जी, मूंग दाल के लड्डू हैं, दीवा ने बनवाए थे हमारे साथ। कश्मीर पहुंचकर पलटन के सभी भैया जी लोगों को खिला दीजिएगा, ध्यान से। विशाल, ट्रेन का टाइम हो गया। अच्छा चाची। ऐसी देशभक्ति किस काम की कि सारा का सारा परिवार ही सुहा हो जाए। शुक्र करो कि चाचा चाची भी औलाद हैं, और अगर इस दिन तुम वक्त पे आ जाते ना तो भाभी जी आज जिंदा होती और घर की ये स्थिति ना होती, समझे? हम फौजियों के ना बस यही कहानी है। दीवा बेटा,